सब कुछ अपलोड हो गया है, बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी अपलोड हो गया है और भिन्न भिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा उनको रद्द किया जा रहा है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें रोस्टर का पालन नहीं हुआ, और कुछ में यह भी बताया जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो मैं तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और वहाँ के जो पूर्णिया, सिवान और गोपालगंज के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, मैं उनसे सीधे सीधे एक सवाल करना चाहूंगा कि जुलाई महीने में जब ये काउंसलिंग हुई और जुलाई महीने में काउंसलिंग होने के पश्चात आप 2022 के जनवरी में उसको आप रद्द कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रही है कि 6 महीना के बाद आपको रोस्टर दिखाई दे रहा है और आपको जो वहां नियोजन प्रक्रिया में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें अनियमितता दिखाई दे रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर अनियमितता थी या रोस्टर में कहीं कोई दिक्कत थी तो आप अपने वेबसाइट पर कैसे उसको अपलोड कर लिया? बिहार सरकार के वेबसाइट पर आपने भेज दिया अपलोड करने के लिए, और जब चयन प्रक्रिया की अंतिम प्रक्रिया चल रही है, 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की डेट घोषित हो चुकी है, तो आप आनंद फानन में 79 जो नियोजन इकाई है उसमें रद्द कर दिया। पूर्णिया में, सिवान जिला में भी इस तरह की बातें आ रही हैं, गोपालगंज में भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि आप आनंद फानन में इस नियोजन इकाई को रद्द करना चाह रहे हैं? आपका सवाल है कि इसमें रोस्टर का पालन नहीं हुआ, तो रोस्टर का पालन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? रोस्टर का पालन अभ्यर्थी नहीं करते, रोस्टर का पालन आपके पदाधिकारी करते हैं। नियोजन प्रक्रिया की सारी नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके पहले आपके जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, सबको प्रशिक्षित किया गया था, सारी मार्गदर्शिका आप लोगों के पास लेटर दी गई थी कि किस तरह हमें नियोजन प्रक्रिया को अपनानी है, रोस्टर को कैसे अपनाना है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करानी है, ये सारी प्रक्रिया तो आपको बताया गया था, अभ्यर्थी को तो उसको पता ही नहीं। अब बताइए कि अभ्यर्थी को, कौन सा अभ्यर्थी को पता है कि किस तरह के काउंसलिंग करेंगे आप? ये सारी प्रक्रिया तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपको ठीक है रोस्टर का पालन नहीं हो तो 6 महीने के पश्चात आपको याद आ रहा है, जब सारी प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया में चल रही है तो आप उसको याद कर रहे हैं कि रोस्टर नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। हम बहुत ही विनम्रता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके फाइल निकालिए, जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है मैं उनसे आग्रह करता कि आप अपने रजिस्टर फाइल निकालिए और उस फाइल में ढूंढिए वो रंजीत सर का वो लेटर भी आपको मिलेगा, जिस लेटर में सर तो आप मीट कर लेंगे, फाइल निकालिए और उस फाइल में ढूंढिए जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसमें माननीय भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर का लेटर भी आपको मिल जाएगा, और उस लेटर में बाखूबी हम लोगों ने भी पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग 24 घंटे के अंदर में जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जरा मीट कर लेंगे आप, पंकज जी आप मीट कर लें।
उस लेटर में इस बात की चर्चा है कि काउंसलिंग के पश्चात 24 घंटे के अंदर में आप कंप्लेन ले सकते हैं और उस कंप्लेन का निवारण आपको 36 घंटे में करनी है और 48 घंटे में निवारण करके एनआईसी पर अपलोड करने की भी बात कही गई। ये उस लेटर में लिखा हुआ है। अब बताइए जुलाई महीना में काउंसलिंग हुई है और आप ये जनवरी 2022 में उसको रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ, अनियमितता हुई है, तो रोस्टर का पालन क्या अभ्यर्थियों की गलती है? क्या अभ्यर्थियों ने रोस्टर का पालन नहीं किया कि आप नियोजन कर रहे थे, नियोजन की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हमें रोस्टर का पालन करनी है नहीं करनी। या जो अनियमितता की बात कर रहे हैं, अनियमितता अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं हुई है, अनियमितता आपके पदाधिकारी किए होंगे, तो आप तो पदाधिकारी को कुछ करते नहीं है। आपके अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं, कितने पदाधिकारियों के पास एक्शन लिया? सीधे सीधे बलि का बकरा आप एक ही चीज को जानते हैं कि अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बना दीजिए और अभ्यर्थी का कोई दोष भी नहीं। अगर रोस्टर का पालन नहीं हुआ है या जो भी हुआ है उसमें आप लोगों की गलती है, आप लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी तो शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें, शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल मैं वहीं पर आ रहा हूँ, पहले कारण तो बता दो। तो इस तरह से जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अभी अनुशंसा उन्होंने किया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह से अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग। मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि आप लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं, हमको पूरा मालूम है यकीन के साथ। लेकिन चूंकि मैं चैनल के माध्यम से डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे साथ भी कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन मुझे पूरा डिटेल में लगा हुआ, दो दिन से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, पूरी मैं डिटेल पता लगा लिया हूँ कि क्या परिस्थितियां, किस कारण से रद्द किया गया। और हम आज ट्वीट भी किए हैं और ये भी हम ट्वीट करेंगे कि जो वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो गलत काम कर रहे हैं और गलत चीजों के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं वो भी ट्वीट करने वाला हूँ, मैं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करूंगा, क्योंकि आप अभ्यर्थियों के साथ इस तरह के काम करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी जो इन प्रक्रियाओं से या जो रद्द हुआ है, जो उनसे बिल्कुल ही प्रभावित हुए हैं, मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि देखिए कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण सचिवालय में जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप चाहे तो अपने डीओ के एक लेटर दीजिए, वहां पर सभी लोग जाकर के मिलिए, एक लेटर अपने जिला उस जिला के जिला अधिकारी को दीजिए, जिला अधिकारी को कहिए, सारी चीजें लिखिए, आप डरिए मत, जो जो चीजें वहां पर हो रही है सारी चीजों का वर्णन कीजिए और उन चीजों को वर्णन करके डीएम कहा दीजिए, जिला अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, और उसका एक कॉपी जो आवेदन बनाइए उसमें आप ट्विटर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप जो माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव महोदय, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और माननीय रंजीत सर को भी एक कॉपी भेजने का काम करें, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप नेता प्रतिपक्ष को भी एक कॉपी आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो भी दबाव बनाएंगे और इस तरह के काम आप घर बैठे कर सकते हैं। एक आवेदन बनाइए, उसमें पूरा आवेदन में चर्चा होनी चाहिए और सही चर्चा होनी चाहिए, गलत चीजों को उसमें शामिल नहीं करें आप, जो आप लोगों के साथ सही घटना घटी है उसकी चर्चा करें और उसको ईमेल पर भेजिए, ट्विटर के द्वारा भेजिए, और जितना अधिक संख्या में आप भेज सकते हैं भेजने का काम करें, वो बहुत ज्यादा काम करेगा। घर बैठे भी आप लोग कर सकते हैं, ईमेल पर भेज सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और ये संज्ञान में माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास जाना चाहिए, अपर मुख्य सचिव महोदय के पास जाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के पास भी जाना चाहिए, और हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, हमने भी आज ट्वीट किया है पर्सनली माननीय शिक्षा मंत्री के और अपर मुख्य सचिव महोदय
और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय अरंजीत सर को मैंने भी आज ट्वीट किया है। इस तरह से आप लोग भी करें और अपनी बात को रखें, क्योंकि इसके सिवाय अभी कोई उपाय नहीं बचा हुआ। आप दबाव बनाएंगे, अब जितने अभ्यर्थी आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप लोग जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के यहाँ जाइए, जिलाधिकारी के पास जाइए और इस बात को रखिए, इस तरह के सर जो हो रहा है ये हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये कोई नियम नहीं है कि आप 6 महीना के बाद में आप जो है आइए आप नियुक्ति पत्र बांट देंगे, आप फिर नियुक्ति पत्र बांटने के बाद फिर कहिएगा कि नहीं इसको हम जांच करवाएंगे। ये कभी हुआ है क्या? अगर आपने NIC पर लोड कर दिया, बिहार सरकार के वेबसाइट पर लोड हो गया, तो ऐसे तो नहीं लोड हुआ होगा उस समय। आप इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों में खामियां है, या आप लोग किसी और मंशा से इन चीजों को रद्द करना चाह रहे हैं। अंतिम समय में रद्द नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं भी अनियमितता हुई है, अगर एक अभ्यर्थी के अलग उसको आप करें, अगर एक भी अभ्यर्थी की अनियमितता हुई है उसकी जांच करें, उसको आप जो करना है करें, लेकिन आप उसके चलते पूरे नियोजन इकाई को रद्द करेंगे ये कहीं भी उचित नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे और आगे जो भी सवाल होगा उसका मैं जवाब जी। जैसे कि हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं 3800 जिला का सर्टिफिकेट जांच को लेकर के बहुत ही चिंतित है कि क्या जांच हो रही है नहीं हो रही है। मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जांच प्रक्रिया जो है वो अपने स्तर से उन्होंने जारी रखा है, और बिहार लेवल पे जो भी जांच है ज्यादातर जिला में जो है वो कह रहे हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे, और बाहर वाले भी कुछ ना कुछ तरीका अपना रहे हैं। उसको लेकर भी आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होता है मैं लगातार आप सभी को देता रहता हूँ। कई हमारे साथी ऐसे हैं जो अलग अलग जिला का रिपोर्ट मांगते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी DO DPO सर को फोन करके उनसे पूछे कि आपकी सर्टिफिकेट की जांच कहाँ तक पहुंची है। इससे ये होगा, अब आप एक बात जान लीजिए, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया आज रद्द कर दी गई है क्या उसको 3 महीना पहले नहीं कर सकते थे? इसमें कहीं ना कहीं हम सभी